हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4। हम लोग सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पे आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक में 2000 रुपए निकलवाने के लिए गई है। She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees notes only. उसने कैशियर से 50 और 100 रुपीज के नोट देने के लिए कहा है। मीना को 25 नोट्स, मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं। तो पता करें कि कितने 50 रुपीज वाले नोट थे और कितने 100 रुपीज वाले नोट हैं। अगर र है तो र लिखेंगे, रुपीज है तो रुपीज लिखेंगे। तो मैं इधर र लिख रहा हूँ क्योंकि जो आपके पास नया एडिशन है उसमें र आ चुका है सिंबल। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एक्स और 100 रुपए वाले जो नोट मिले उनकी गिनती मान लेते हैं वाई। अब पहली कंडीशन में क्या है कि टोटल 25 नोट्स मिले हैं, तो मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि हमें पहले चेक करना है कि क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इसीलिए 25 को हम लोग लेफ्ट साइड ले आए और इट इज इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद टोटल 2000 रुपीज मिले हैं, तो एक नोट की जो वैल्यू है वो 50 रुपीज है, तो एक्स नोट की वैल्यूज क्या होगी 50x। एक नोट की वैल्यू 100 रुपीज है, तो वाई नोट्स की वैल्यू क्या होगी 100y। और टोटल कितने रुपए बनेंगे 2000। 50 यहां से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, 50 उधर जाएगा तो डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया आपका 4040। तो एक्स प्लस 2y-40 इज इक्वल टू 0। अब चेक करने के लिए a1 upon a2, एक्स का कोफिशियंट इधर 1 है और इधर भी एक्स का कोफिशियंट 1 है। b1 upon b2, वाई का कोफिशियंट 1 और b2 का कोफिशियंट 2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि a1 upon a2 का रेशियो b1 upon b2 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो आप क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि जो इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशिएंट आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो हमें उनको अगर कैंसिल करना है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, और जब साइन चेंज करते हैं तो क्या लिखा जाता है, सब्ट्रैक्शन। एक्स के साथ एक्स कट गया, 2y में से y गया माइनस का y, 40 में से 25 माइनस करेंगे 15, 15 प्लस का इज इक्वल टू में 0। तो माइनस वाई इज इक्वल टू -15, तो वाई की वैल्यू 15 आ गई। तो इसका मतलब है 100 रुपीज के कितने नोट मिलेंगे 15। अब एक्स निकालना है तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन, पुट वाई इज इक्वल टू 15 in 1, एक्स प्लस 15 -25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 10, 10 उधर जाके प्लस का, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 10 और वाई की वैल्यू आ गई है 15। तो इस तरीके से टोटल जो उनको नोट्स मिल रहे हैं वो 25 हो गए। 10 प्लस 15 25, 10 इंटू 15
50 करेंगे आप तो 500 और ये 1500 तो 2000 रुपीज बन गए। तो इस तरीके से हमारे पास 10 और 15 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। तो फिक्स्ड चार्ज है, लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए जो चार्जेस है वो फिक्स है और उसे अपन लेट कर दिए 100 रुपीज। मतलब चाहे आप 1 दिन के लिए बुक रखिए, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 3 दिन के लिए, एक तो फिक्स चार्ज रखा हुआ है फॉर फर्स्ट 3 डेज। एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद हर दिन के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। तो एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज, तो 3 दिन के बाद हर दिन कितना एडिशनल चार्ज हम लोग मान के चलेंगे, 5 रुपीज। तो ये हमने जो है वो एक्स और वाई लेट कर लिए। अब पहली कंडीशन क्या है, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए बुक रखिए, तो 7 डेज के लिए 27 रुपीज पे किए। 7 डेज को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो हो गया 3 डेज और एक हो गया 4 डेज चार्जेस के हिसाब से। 3 दिन के लिए तो जो चार्ज है वो फिक्स है, दैट इज एक्स, तो एक्स हो गया, और बाकी कितने दिन बच गए, 4। तो 1 दिन के लिए अगर एडिशनल चार्ज वाई है तो 4 डेज के लिए कितने हो जाएंगे, 4y, और टोटल रुपीज कितने दिए, 27। 3x नहीं करना है, x 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फर्स्ट 3 डेज का फिक्स है। 27 को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, इट इज इक्वेशन लेट मी से फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सूजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। सूजी ने 21 रुपीज पे किए 5 दिन के लिए, तो 5 दिनों को इसी तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 डेज एंड 2 डेज। तो 3 डेज के लिए तो चार्जेस फिक्स है 100 रुपए, उसके बाद 1 दिन का वाई है तो 2 दिन के कितने होंगे, 2y, और टोटल 21 रुपीज पे किए। 21 उधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब चेक करना है मुझे, इधर चेक कर लेते हैं। a1 अपॉन a2, x का कोफिशिएंट 1 है और इधर भी 1 है। अब b1 अपॉन b2 करेंगे, 4 अपॉन 2। तो यू कैन क्लियरली सी कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अपन यूज करेंगे अब एलिमिनेशन मेथड। लिख देते हैं एलिमिनेशन मेथड, साइन चेंज करेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे अपन सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज करने पड़ेंगे तभी एक्स के एक्स का कट जाएंगे। 4y में से 2y गया 2y, 27 में से 21 गया 6, लेकिन साइन माइनस का, तो y की वैल्यू आ गई 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो हर दिन के लिए 3 रुपए पे करने पड़ेंगे 3 दिन के बाद। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू किसी में पुट कर दो, सॉरी y की वैल्यू किसी में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 3 इन 1, x का x, y की जगह 3, 27 उधर रखते हैं हम लोग, is equal to 0, 4 into 3 12,
27 उधर जाके प्लस का, 12 उधर जाके हो जाएगा माइनस का, 15 15। यानी कि फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेस 15 रुपए लगेंगे, चाहे आप 1 दिन के लिए बुक रखें, चाहे 2 दिन के लिए, चाहे 3 दिन के लिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन हुआ। तो 3 दिन के लिए चार्जेस आए हैं 15 रुपए, और उसके बाद हर दिन के लिए 3 रुपए पे करने पड़ेंगे। इस तरीके से हमारा 5th पार्ट जो है वो डन हो गया। एक्सरसाइज 3.4 हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।